टूट टूट तोड़ उड़ दिया और आटा चावल जितना भी था सारा खा गया। ऊपर से लॉकडाउन है तो ऐसी भी परेशानियाँ चलता है, राशन पानी के लिए पैसा नहीं है, ऊपर से साग सब्जी भी बिका नहीं रहा है और घर टूट गया, चांग से टूट गया, बाली झाली जो था नुकसान बहुत ज़्यादा ही हुआ। छोटा छोटा बच्चा सब था वो सब को लेके इसमें बहुत ज़्यादा ही हम लोग का दिक्कत हुआ। रात में हम लोग का सब जान तो बच गया लेकिन बहुत नुकसान हुआ। घर में बहुत सारा आइटम था जो खराब, मतलब पचका उचका दिया, तोड़ ताड़ दिया, फोड़ फोड़ दिया और आने से उनका मतलब जितना भी चावल उबल था, आटा उटा था, टोटल खा गया। और ये घर सिर्फ आपका तोड़ा गया है या फिर किसी का और भी तोड़ा है? अभी हमारा तो तोड़ा ही गया है, बाकी सुनने में आया एक दो थो और घाट की साइड में भी टूटा है, घाट पूरी साइड। उसके बाद आपका जो यहाँ पे किसी इंसान को भी कुछ हुआ है क्या? इंसान का कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ तो बाली का और घर का नुकसान हुआ। घर सब टूट गया, रहने के लिए अभी तो घर है नहीं, अभी जो यही था एक था, चारा ही चारों तरफ से तोड़ डाला, इधर से भी तोड़ दिया और उधर साइड से भी तोड़ दिया। ये पहली बार हुआ है या फिर पहले भी हो चुका है आपके साथ? ऐसा तो बहुत के पास हो चुका था, ये पहली बार हमारे लिए हुआ है। चलो, हम लोग बाहर से भी आए हुए हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, बिहार से आए हुए हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी हम लोग का है, दूसरा कुछ नहीं है और घर है यही सब है और नुकसान हो गया। हम लोग तो गरीब है, यहाँ बस कमाते खाते हैं, रोजी रोटी है, यहाँ सब हम लोग का एक बंदी है, बंदी में तो परेशानी था ही, प्लस में हाथी आके 400 घर तोड़ के और सब भी चीज बर्बाद कर दिया, सामान वामान कुछ है नहीं अब खाने पीने का, फिर उसके लिए तो हम लोग अभी बहुत ज़्यादा ही देखिए रहे अभी परेशानी है। तो सब्जी उब्जी भी नहीं बिकाता जो निकलता है सो, और ऊपर से अभी राशन उशन का था नहीं, थोड़ा बहुत राशन उशन रखे भी थे स्टॉक करके, वो भी सारा खा गया। वन विभाग गवर्नमेंट है, उनसे हम कुछ कहना चाहते हैं कि एक दिन का नहीं है, डेली डेली का है, यहाँ डेली डेली रात में गणेश हाथी 4 ठो 5 ठो 6 ठो 3 ठो 1 ठो ऐसे करके आता है, कितने लोग का घर तोड़ देता है। ये पहली बार भी मेरा घर नहीं है, कितने बार इससे पहले भी टूट चुका है। और हम गवर्नमेंट विभाग से यही कहना चाहते हैं कि बस अभी लॉकडाउन में ऐसा मेरा हम लोग का भी स्थिति है, कुछ हम लोग को मदद करे, घर उर टूट गया है, इसके लिए अभी देखिए लॉकडाउन में मतलब कि पैसा कौड़ी की भी बहुत स्थिति खराब हो चुका है, इसके कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा ही परेशानी का उठाना पड़ता है। वन विभाग से यही करना चाहते हैं कि मतलब कि एक बार नहीं परमहल यहाँ पर डेली रात को आना शुरू कर देता है, 5-6 महीना लगातार ही आता है, कितने को घर तोड़ता है, कितने कुछ करता है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है हम लोग का। यहाँ पर कमाने खाने के लिए हम लोग आते हैं और डेली डेली रात को हाथी से हम लोग का अथी दिक्कत होता है, रात में भर भर